जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ECHS द्वारा ECHS लाभार्थियों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। ECHS में प्राइमरी ECHS कार्ड होल्डर अपना मोबाइल नंबर पहले से ही बदल सकते थे, लेकिन अब ये सुविधा डिपेंडेंट्स को भी लागू कर दी गई है। जी हाँ साथियों, ECHS लाभार्थी अपना मोबाइल नंबर अब ऑनलाइन बदल सकेंगे। मैं आगे आपको उस लेटर को भी दिखाऊंगा और लेटर के बाद में आपको लाइव डेमो के साथ में बताऊंगा कि आपको भी यदि अपने डिपेंडेंट का मोबाइल नंबर ECHS पोर्टल में चेंज करना है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। आइए साथियों, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS का 2 जून 2022 का लेटर देख रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट है चेंज ऑफ मोबाइल नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, जिसमें आगे बताया गया है कि जो ऑनलाइन मोबाइल नंबर चेंज करने का सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जारी कर दिया गया है और उसका जो प्रोसेस है वो निम्न प्रकार है। इसमें सबसे पहले बताया कि आपको ECHS वेबसाइट और पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको मोर ऑप्शन के टैब के सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा चेंज डिपेंडेंट मोबाइल नंबर, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस डिपेंडेंट का मोबाइल नंबर चेंज करना है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नया मोबाइल नंबर वहां पे टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना। इस प्रकार आपका डिपेंडेंट का मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको लाइव डेमो के साथ में बताता हूँ कि आपको कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ECHS में लॉगिन करें। इसके लिए आपके पास में दो तरीके, आप echs.gov.in वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन, और दूसरा आपके पास में ऊपर जो ये ब्लू लाइन रनिंग हो रही है उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए, मैं जब यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस प्रकार एक विंडो आपके सामने ओपन होगा। वहाँ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर दें। अब मैं इतनी डिटेल्स एंटर करने के बाद लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक तो जो प्राइमरी बेनिफिशरी है उसका चेंज मोबाइल नंबर आ रहा है और दूसरा आ रहा है चेंज मोबाइल नंबर विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ डिपेंडेंट। तो आपको प्राइमरी का मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है और डिपेंडेंट्स के मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको चेंज मोबाइल नंबर डिपेंडेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सभी डिपेंडेंट के नाम सामने दिखाई देंगे। अब जिस डिपेंडेंट का मोबाइल नंबर चेंज करना है उसके सामने बने हुए चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे चेंज मोबाइल नंबर डिपेंडेंट का क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी बेनिफिशरी के नाम आ गए और जो करंट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसके बाद जिस डिपेंडेंट का या बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे जो एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन के आगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ है यानी स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर में क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूँ तो एक्शन में स्क्वायर में जैसे ही क्लिक करूँगा तो नीचे एक विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो चुका है और जिसमें लिखा हुआ है न्यू मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है, नया मोबाइल नंबर डालना है, वो यहाँ पे डाल दें और उसके बाद में यहाँ पे जो भी सूटेबल रीजन है कि आप ये मोबाइल नंबर अपडेट क्यों करना चाह रहे हैं वो रीजन डालने के बाद सबमिट चेंज रिक्वेस्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। और नीचे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट है जो कि अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, और इसमें आगे ये भी शो हो रहा है कि कब रिक्वेस्ट किया गया है। जैसे कि ये 10 जून 2022 की रिक्वेस्ट है तो ये रिक्वेस्ट में मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर क्या है और कौन सा मोबाइल नंबर अपडेट करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार आप भी जब रिक्वेस्ट डालोगे तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी और विद इन 2 to 3 डेज में ये
ECHS डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव कर दी जाएगी। साथियों, मोबाइल नंबर की आवश्यकता चेंज करने की क्यों पड़ रही है? क्योंकि ऐसा होता है कि प्राइमरी जो कार्ड होल्डर है वो और कहीं रहता है, और डिपेंडेंट्स कहीं जॉब में हो या कहीं पढ़ाई कर रहे हो या कहीं दूसरे शहर में रह रहे हो, तो वहाँ पे उनको ECHS की फैसिलिटी लेने के लिए, क्लेम सबमिट करने के लिए, लॉगिन करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए या पॉली क्लिनिक चेंज करने के लिए यदि सही मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है तो ये काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो साथियों, छोटी सी जानकारी मैंने आपके लिए इस वीडियो में बताई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।